तो गाइस YouTube शॉर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी बंदा 10-10 12-12 साल के बच्चे एक एक महीने में 3-3 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं। एंड कुछ बंदे पिछले 2 साल से रगड़ रहे हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार वो बच्चे क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो हो जाता है, एंड आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट चैनल ग्रो करने के 4 ट्रिक्स बताने वाला हूं, और अगर आपने चारों को फॉलो कर लिया तो आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपने इस वीडियो का एक भी सिंगल पार्ट मिस कर दिया या फिर वीडियो को छोड़कर चले गए तो यार भूल जाना कि आप कभी जिंदगी में अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। बट यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि अभी के टाइम पर आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। तो हमारी पहली ट्रिक है ट्रेंड। अब देखो यार, अगर आज की डेट में कोई इस गाने पर डांस करेगा या फिर लिपसिंग करेगा जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार में, तो यार वो वीडियो वायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार ये ट्रेंड पहले चला था, इस सॉन्ग का ट्रेंड पहले चला था, लेकिन अभी के टाइम पर इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ गया। तो यार YouTube शॉर्ट का भी यही हाल है। आज से 2 साल पहले कुछ इस टाइप के वीडियोस पर मिलियन में व्यूज आते थे। पर क्या आप जानते हो कि डायनासोर्स की मौत अचानक से ही कैसे हुई थी? लेकिन यार आज की डेट में अगर आप इस टाइप का वीडियो बनाओगे तो 1000 से ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यार ऑडियंस को इस टाइप का कंटेंट आप देखना पसंद ही नहीं है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अभी के टाइम पर कैसे शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिसकी वजह से उन पर मिलियन में व्यूज आए। तो देखो यार, इसके लिए आपको YouTube शॉर्ट्स चलाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि अभी के टाइम पर किस टाइप के वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, एंड जिस टाइप के वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हो आपको उसी टाइप के वीडियोस बनाने हैं। एंड यार इस वीडियो को देखने के बाद अपने चैनल पर जाकर पिछले वीडियोस देख लेना, इससे आपको अपने शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मिस्टर आदित्य टेक इस चैनल पर 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है एंड इसकी वीडियोस पर 1,000 से कम व्यूज आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बंदा पूरे 1 महीने के लिए अपने चैनल पर इनएक्टिव हो गया था, एंड इनएक्टिव होने से पहले इसके वीडियोस पर 10-12,000 व्यूज आते थे। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। एंड यार जिन भी बंदों के मिलियन में सब्सक्राइबर है आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो, या तो वो अपने चैनल पर 1 दिन में 1 शॉर्ट अपलोड करते हैं या फिर 1 दिन में 2 शॉर्ट अपलोड करते हैं। तो हमारी तीसरी ट्रिक है लेंथ। तो यार विशाल नाम के इस बंदे के 4 चैनल है एंड इसने अपने इन चैनल्स को सिर्फ 15-15 दिन में ग्रो किया है। अब विशाल भाई आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपने अपने चैनल्स को 15-15 दिन में किस तरीके से ग्रो किया? हाँ तो अंकेश भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने चैनल को मात्र 15 दिनों के अंदर अच्छी तरह से ग्रो कर देता हूँ, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो है वीडियो का लेंथ। मैं अपने वीडियो का लेंथ 50 सेकंड से ज़्यादा की रखता हूँ जिससे मेरी हर वीडियो वायरल हो जाती है। अगर मैं 50 सेकंड से कम वीडियो बनाता हूँ तो मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं होती है, और अगर मैं 50 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो बना लेता हूँ तो मेरी हर वीडियो वायरल होती है। तो यार कहने का सीधा मतलब ये है कि YouTube का एल्गोरिथम 50 सेकंड से ज़्यादा के शॉर्ट्स को जल्दी वायरल करता है, इसीलिए आपको 50 सेकंड से ज़्यादा के शॉर्ट्स बनाने चाहिए। अब हमारी चौथी ट्रिक है ऑडियंस रिटेंशन एंड लाइक्स। अब आपका ऑडियंस रिटेंशन और लाइक्स का ग्राफ ऊपर होता होगा लेकिन फिर भी आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होता होगा। पता है क्यों? क्योंकि यार ये जो ग्राफ बताता है, ये जो एरो बताता है, वो आपके पिछले वीडियोस की परफॉर्मेंस के हिसाब से बताता है, लेकिन आपको यूट्यूब का जो एवरेज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आपने 50 सेकंड से ऊपर का वीडियो बनाया तो आपके वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन 80% से ऊपर होना चाहिए, एंड अगर आपकी वीडियो पर 1000 व्यूज है, 1000 व्यूज पर आपकी वीडियो पर लाइक्स 100 से ज्यादा होने चाहिए।